आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो आपके क्वेश्चंस की श्रृंखला है वो बहुत ही अच्छी है। ये आपके बीएसएफ ट्रेडमैन यूपीपी सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो आपका बैच चल रहा है कर्तव्य बैच, उस बैच को आप लोग जल्दी जल्दी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और मई में आपके पेपर लगे हुए। ठीक है, हमने आपसे पहले ही कहा कि कर्तव्य बैच जो आपका है वो मात्र 599 रुपए में है और 1100 रुपए में बैच के साथ साथ पेपर भी है। 1199 रुपए में, सॉरी 1100 रुपए में, 1100 रुपए में आप लोगों का पेपर भी है और 1100 रुपए में आपका बुक भी मिल जाएगी और आपको मिल जाएगा क्या, क्लास लाइट क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन हमारा जो होता है वो आता है यहां पर। क्वेश्चन देखने से पहले बच्चे एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो है क्या, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग है जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग है जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बेटा यह संघर्ष जो है ना बहुत ही अलग टाइप की चीज है। इसको जिसको जुनूनियत लग जाती है, जिसको मेहनत करने की लत लग जाती है, सफलता उस पर अपने आशीर्वाद बरसाना शुरू कर देती है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है बच्चे कि अगर मांस को शाकाहारियों से ठीक वही संबंध है जो संबंध शराब का है। मांस का संबंध शाकाहारियों से उसी प्रकार से है जैसा कि शराब का संबंध, जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है उसी प्रकार शराब का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है मद्य त्यागी, धूम्रपान करने वाले, पानी आहार विशेषज्ञ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे जल्दी से आप बताओगे, मद्य त्यागी, धूम्रपान करने वाले, पानी आहार विशेषज्ञ, बोल लो बच्चे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात आप करोगे तो आपको पता है जैसे मांस जो लोग खाते उन्हें हम बोलते हैं मांसाहारी, और कह रहे शाकाहारियों से, मतलब मांस का अपोजिट क्या होगा, जो लोग मांसाहारी होंगे उसका विपरीत क्या होगा, शाकाहारी। जो लोग मांसाहारी होंगे उनका विपरीत क्या होगा बच्चे, शाकाहारी। तो ऐसे ही जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग शराबी होते हैं उसका अपोजिट क्या होगा, मद्य त्यागी। मद्य मतलब होता है मदिरा पान करने वाले लोग, मद्य मतलब मदिरा, और मद्य त्यागी मतलब जिन लोगों ने मदिरा पान का त्याग कर दिया है। मद्य मतलब क्या होता है बेटा, शराब है ना। मद्य त्यागी मतलब जिन लोगों ने मदिरा का त्याग कर दिया है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कह रहा स्मोकर, धूम्रपान करने वाले। देखो बेटा धूम्रपान करने वाले कैसे विपरीत हो सकते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, धूम्रपान करने वाले कैसे विपरीत हो जाते हैं शराब के। भाई जो शराब पीते हैं उनके विपरीत तो वही होंगे ना जिन्होंने शराब का त्याग किया है। अब यहाँ पर है कि धूम्रपान करने वाला, तो धूम्रपान करने वाला तो खुद एक जो है एक प्रकार से व्यसन में लगा हुआ है, तो ये तो गलत ही होगा बच्चे। पानी कोई मतलब नहीं है, और फिर कह रहे आहार विशेषज्ञ, ये तो बिल्कुल कोई कहीं दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो पहला पद अगर आप देखोगे, क्वेश्चन क्या है, जैसे एक ए टी के आर संबंध एफ वाई पी डब्ल्यू से, वैसे टीएलपीजी किससे संबंधित होगा। अब ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कैसे संबंधित होगा, इस बात को समझना आपको। देखो भाई ए से एफ बनाओगे तो क्या होगा, +5 होगा। टी से वाई बनाओगे तो क्या होगा, +5 होगा।
के से पी बनाओगे तो क्या होगा, प्लस पांच होगा, और आर से डब्ल्यू बनाओगे तो क्या होगा, प्लस पांच होगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि सारे के सारे लेटर में क्या हो रहा है, प्लस फाइव हो रहा है, प्लस पांच हो रहा है। ठीक है बच्चे, अगर सभी अक्षरों में प्लस फाइव या प्लस पांच हो रहा है तो बच्चे बहुत ध्यान से देखना, TLPGS के क्वेश्चन को जब आप करोगे तो TLPGS में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 में 5 जोड़ोगे 25Y होगा, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 में 5 जोड़ोगे 17Q होगा, P का प्लेस वैल्यू 16 है, 16 में 5 जोड़ोगे 21U होगा, और G है, G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में 5 जोड़ोगे 12L होगा। YQUL आपका ऑप्शन नंबर बी है, YQUL आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है ना भाई, ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन व्हिच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे आर As are the two words in the given words pair. उस शब्द युग्म का चयन करें, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है। ठीक है भैया, जैसे शब्द युग्म में दिए गए दो शब्द संबंधित है, जैसे कि यहां पर क्या, सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार निम्न में से किसी का संबंध क्या होगा। चलो भाई जल्दी बताएंगे, निम्न में से किसी का संबंध क्या होगा, बताओ बच्चे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। हाँ चलो भाई, अब देखो वर्ग का विकर्ण, अब देखो वृत्त क्या, वृत्त ये, अब वृत्त के चारों तरफ जो आकृति है ये परिधि आपकी कहलाती है, मतलब वृत्त जिससे घिर के बना है वो परिधि कहलाई, वृत्त जिससे घिर के बना है वो क्या कहलाई, परिधि कहलाई। तो आपसे देखा वर्ग क्या है, वर्ग का विकर्ण, अब जब वर्ग बनाओगे तो वर्ग जिससे घिरा होगा उसकी बात करोगे ना, अब विकर्ण तो ये होता है तो वर्ग और विकर्ण तो अलग अलग होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है, त्रिभुज घिरा हुआ इन आकृतियों से है, कह रहा त्रिभुज क्षेत्रफल, क्या ये सही होगा, नहीं सर ये भी गलत होगा। फिर कह रहा है आयत परिधि, क्या आयत की परिधि होती है, नहीं सर आयत की परिधि नहीं होती है। समतल बीमाएं, आपका आंसर ये होगा समतल बीमाएं, प्लेन जो चीजें होंगी उसमें बीमा होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, समतल बीमाएं। ठीक है बिल्कुल बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार सिक्स का संबंध है, देखो क्या लिखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिस प्रकार 6 से 35 संबंधित है उसी प्रकार 9 से क्या संबंधित होगा, जिस प्रकार 6 से 35 संबंध है उसी प्रकार 9 से क्या संबंधित होगा, जिस प्रकार 6 से 35 संबंध है उसी प्रकार 9 से क्या संबंधित होगा। अगर इस बात को आप ध्यान से दोगे देखोगे तो जिस प्रकार 6 से 35 संबंध है उसी प्रकार 9 से क्या संबंधित होगा, तो आपको पता है बच्चे ये हुआ है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 हो जाएगा 35, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 हो जाएगा 35, तो ऐसे ही बच्चे 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 80, 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 1 80। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन ये रहा, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज द सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट,
संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित समूह के समान है, जो 9, 54, 6 के समान होगा, वैसा कोई आपको बताना है समूह। जिस प्रकार 9, 54 और 6 का आपस में रिश्ता है, उसी प्रकार आपको बताना है रिश्ता किसका, उसी प्रकार इनमें से किसका रिश्ता निकलेगा। बताओ भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके प्रायः पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, और ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। चलो बच्चे, सभी लोग बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे ना, तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे जहां 3 संख्याएं दी गई हो, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे जहां 3 संख्याएं दी गई हो और उन तीनों संख्याओं का यूज हो कुछ ना कुछ, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या देखोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो आपको 54 मिलेगा, 54 मिलेगा। अब आप सोचो, क्या इन दोनों संख्याओं से 54 को बनाया जा सकता है, क्या इन दोनों संख्याओं से 54 को बनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे जी सर, इन दोनों संख्याओं को 54 से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, 9 × 6 कर दे तो हो जाएगा 54। अगर हम 9 × 6 कर दे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगर हम 9 × 6 कर दे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। क्या यहां पर मिल रहा है 6 × 3 = 18? नहीं। क्या यहां पर मिल रहा है 12 × 7 = 84? नहीं। क्या यहां पर मिल रहा है 8 × 9 = 72? नहीं। क्या यहां पर मिल रहा है 5 × 7 = 35? हाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा बच्चे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बोलो बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा और आप बिल्कुल क्लियर है ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या सबसे बड़ी संख्या जो दोनों छोटी संख्याएं हैं उनको लेकर के बनाया जा सकता है। अगर हाँ उनको लेकर के बनाया जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 6 और 9 का गुणा करके बीच की संख्या 54 बन रही बच्चे, तो ऐसी संख्या कौन सी बनेगी, तो ऐसी संख्या ऑप्शन नंबर डी में बनेगी, 5 × 7 = 35। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों में है। कह रहे तौलना तराजू से, जिस प्रकार तौलने का संबंध तराजू से है, जिस प्रकार तौलने का संबंध तराजू से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि निम्न में से किसका संबंध होगा। जिस प्रकार तौलने का संबंध तराजू से है, ठीक उसी प्रकार निम्न में से किसका संबंध किससे होगा, बताएंगे भैया। जिस प्रकार तौलने का संबंध तराजू से है, उसी प्रकार से निम्न में से किसका संबंध किससे होगा। देखो तराजू किस काम के लिए आता है, तौलने के लिए, या तौलने के लिए क्या यूज करते हो, तराजू यूज करते हो। आयतन तरल का मापन है, बहाना पानी है, तैरना नदी है, पता लगाना रडार है। क्या पता लगाना रडार है भाई, क्या पता लगाना रडार है। आयतन तरल का आपको क्या है, आपको तौलने में क्या यूज करते हो, तौलने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, तो वो तराजू है। ये ध्यान देना, तौलने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो तो वो क्या है, तराजू है। आयतन के लिए तरल, मतलब आयतन निकालने के लिए किसका यूज करते हो, तरल का नहीं, तरल का ये गलत है ना। बहाना पानी, भाई देखो बहाना पानी ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है,
अब देखेंगे पता लगाना रडार, पता लगाना रडार ये भी नहीं है। तैरना नदी, बिल्कुल तैरने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, नदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा तैरना नदी। तैरने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, तो तैरने के लिए बच्चे आप नदी का प्रयोग करते हो, तो यहां पर आंसर क्या होगा, तैरना नदी। जिस प्रकार तोड़ने के लिए आप तराजू का प्रयोग करते हो, उसी प्रकार तैरने के लिए आप नदी का प्रयोग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपेक्षा करता हूं कि यहां तक के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और अगर अब बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो जिस प्रकार डी एफ आई एम का संबंध डब्ल्यू यू आर एन से है, उसी प्रकार सी सी एम एच डी का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार डी एफ आई एम का संबंध डब्ल्यू यू आर एन से है, उसी प्रकार सी एम एच डी का संबंध किससे होगा। तो देखो कि बच्चे, हमने आपसे पहले ही कहा, जब वर्ड्स का वर्ड या शब्दों का शब्दों में एनालॉजी आने लगे, तो वहां पर आप लेटर्स को चेक करने की कोशिश करो, कौन से लेटर किससे बन रहा है। जब आप देखोगे ऐसे कंडीशन में बच्चे, तो यहां पर क्या दिखाई देगा, डी का डब्ल्यू दिखाई देगा, एफ का यू दिखाई देगा, आई का आर दिखाई देगा, एम का एन दिखाई देगा। ये हो क्या रहा बच्चे, ये हो रहा है अपोजिट लेटर, ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है अपोजिट लेटर। मतलब D का अपोजिट W, F का अपोजिट U, I का अपोजिट R, M का अपोजिट N। जब यहां देखोगे तो C का अपोजिट क्या होगा, C का अपोजिट हो जाएगा, क्या होता है C का अपोजिट, X होता है बेटा, क्रैक्स आपको पढ़ाया हमने। M का अपोजिट बेटा क्या होगा, मैन होगा, तो यहां पर N होगा। H का अपोजिट आपको पता है मेरे बच्चे, हाई स्कूल के लिए S का प्रयोग आप करते हो, और V के लिए आप लव में E का प्रयोग करते हो, तो आपका आंसर होगा X S N E, X N S E, X N S E। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर जो पेयरिंग बनी हुई है वो अपोजिट लेटर की पेयरिंग बनी हुई है। यहां पर बच्चे जो पेयरिंग बनी हुई है वो अपोजिट लेटर की पेयरिंग बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे, यहां तक के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। देखो बच्चे, खूब मेहनत करो, जॉब तो लगनी ही लगनी है। आपको पता है कलम से क्रांति एग्जामपुर कराता है, कलम से क्रांति एग्जामपुर कराता है, सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन तो आपका होना ही होना है, बस लगे रहो और पढ़ते रहो। चलो भाई, अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, बोलो बच्चे क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि CAB का कोड 12 है, FED का कोड 30 है, तो आपसे बेटा हाइड का कोड पूछा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कैप का कोड 12 है, फेड का कोड 30 है, तो हाइट का, आप देखो कैप में देखोगे तो जो सी की प्लेस वैल्यू होगी बेटा ना, वो 3 होगी, ए की 1 होगी, बी की 2 होगी, तो इसे जोड़ोगे तो मिलेगा 3 × 1 = 4 = 2 = 6, और 6 का गुणा 2 में कर दोगे तो हो जाएगा 12। यहां पर 6 है, 5 है, 4 है, तो 6 × 5 = 11 और 4 = 15, 15 × 2 में कर दोगे 30 मिल जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है सम ऑफ प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू का योग, क्या बच्चे, प्लेस वैल्यू का योग मल्टीप्लाई बाई 2, प्लेस वैल्यू का योग मल्टीप्लाई बाई 2, प्लेस वैल्यू का योग मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, अक्षरों के प्लेस वैल्यूज को जोड़ लो और उसमें 2 से गुणा कर दो। तो यहां पर बच्चे क्या होगा, एच का प्लेस वैल्यू 8 है, आई का 9 है, डी का 4 है, ई का 5 है। एच का 8 है, आई का 9 है, डी का 4 है और ई का 5 है, तो हो जाएगा 9 × 8 = 17 + 4 = 21 + 5 = 26, है ना, 9 × 8 = 17 + 4 = 21 + 5 = 52, तो आपका आंसर कितना आ गया, 52। आपका आंसर कितना आ गया, 52। बहुत सही बच्चे। सो 52 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है बच्चे,
ऑप्शन नंबर सी कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 52 होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 52 होगा, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? आप ऑप्शन नंबर सी करोगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अक्षरों के प्लेस वैल्यू का योग करके उसमें 2 से गुणा कर दिया गया है, बस। ठीक है बच्चे, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यदि पेंसिल को लिखा गया PENICL, तो हाउ विल मदर बी रिटन? अगर पेंसिल का कोड दिया गया है PENICL, तो इसी भाषा में मदर का कोड क्या होगा? तो बच्चे, अगर ध्यान देंगे आप ना, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझेंगे, तो आपको एक बात बहुत कायदे से दिखाई देगी। वो बात क्या दिखाई देगी कि इस क्वेश्चन में जो अक्षर है ना पेंसिल, अगर आप देखोगे पेंसिल के जो, अगर आप देखोगे कि पेंसिल जो लिखी गई है, पेंसिल जो लिखी गई है, पेंसिल के अगर अक्षरों की आप बात करोगे, तो अक्षर में क्या लिखा गया? PENICL। मतलब आप देख क्या पा रहे हैं, आप देख ये पा रहे हैं कि, आप देख ये पा रहे हैं बच्चे कि लेटर वही है। तो आपको हमने पढ़ाया है पोजीशन बेस्ड पैटर्न, हमने आपको पढ़ाया है लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशन बेस्ड पैटर्न। और पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्या कहलाता है बच्चे? पोजीशन बेस्ड पैटर्न कहलाता है मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, कि अक्षर ने अपनी स्थिति बदली है, अक्षर ने अपनी पोजीशन को बदला है, अक्षर रिप्लेस नहीं हुआ है, प्लेस वैल्यू रिप्लेस नहीं हुई है, अक्षर केवल अपने स्थान को बदल रहे हैं, अक्षर किसी प्रकार से नए मेंबर नहीं ला रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम पोजीशन बेस्ड पैटर्न कहते हैं, जहां पर शब्द के अक्षर अपने स्थान को तो बदल दे लेकिन नए अक्षर ना आने दे, ऐसे को हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। तो देख लेंगे बच्चा यहां पर क्या, PENE क्या है? PENE कहां से मिलेगा? ये मिलेगा PENE। तो आप सीधे मदर्स की कोडिंग करोगे, जैसे PENE आपने किया है, ऐसे मदर्स में क्या होगा? MTO। ऐसे मदर्स में क्या होगा? MTO। ठीक है बच्चे, फिर आपने क्या लिखा है? ICL। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे EHR। क्या लिखेंगे बच्चे? EHR। तो ऐसा कौन सा है? MTOEHR। MTOEHR ऑप्शन नंबर डी। क्या बेटा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? MTOEHR। तो जिस प्रकार से पेंसिल ने खुद को कोट किया था, ऐसे आपने मदर को कोट कर दिया है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे और बढ़िया क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि फादर का कोड 7 है, डॉटर का कोड 9 है, डिस्टेंट का कोड पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फादर का कोड 7 है, डॉटर का कोड 9 है, और डिस्टेंट का कोड पूछा है। बच्चे, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये पूछा क्यों गया है, मैं सोचता हूं ऐसे क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं। इतने इजी क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, लेकिन पूछा गया है तभी तो करा रहा हूं। पूछा गया है आपके पेपर में बच्चे, तभी तो मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, लेकिन ठीक है, पूछ रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, सारे बच्चों के लिए अच्छी बात है। आइए देखते हैं। देखो फादर में देखोगे तो 2, 2, 4, 2, 6 टोटल लेटर 6 है, प्लस 1 कर दो 7। भाई फादर में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 6 है। फादर में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 में 1 जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ऐसे ही डॉटर में तो देखोगे 3, 3, 6, 2, 8 कुल अक्षरों की संख्या 8 है। डॉटर में कुल अक्षरों की संख्या 8 है, 8 में क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे, तो क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा।
आठ में क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, नौ मिल जाएगा। ऐसे बेटा डिस्टेंट में देखोगे तो डिस्टेंट में दो चार छह सात अक्षर है, सात में क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे बेटा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एकदम हलवा, लेकिन एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में गलत भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए बहुत कायदे से क्वेश्चन का एनालिसिस करके जाइएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी बच्चे को, हो गया है ना? तो बढ़ते ही अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आने से पहले ही बीच में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आ गई हैं, तो आइए जरा देख लेते हैं इस बात को। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। प्यारे बच्चों, अच्छा मुसाफिर बनने का मतलब क्या है कि आप खूब मेहनत करो, मेहनत करो, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है। सफलता की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि आपके मेहनत के आगे वो आपको सफल ना बनाए, उसको एक ना एक दिन बेटा आपके आगे उसे झुकना ही पड़ेगा। लगे रहो, कलम से क्रांति तो हो करके ही रहेगी प्यारे बच्चे। तो वही बात हुई, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मोटिवेशन लाइन इसीलिए बीच बीच में क्लास में डाली जाती है जिससे आप एनर्जेटिक रहो, आप खूब ताकतवर रहो। बच्चे ये वर्दी का जुनून है, ऐसे थोड़ी जाने वाला है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ, इस कोटेशन के साथ, इस लाइन के साथ आपके अंदर जो ताकत आई है उस ताकत का प्रयोग करके आगे के क्वेश्चन में लग जाओ। और अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये, अगला क्वेश्चन है बेटा, वी का कोड है 44, पैट का कोड है 54, और आपसे लेट का कोड पूछा है, आपसे लेट का कोड पूछा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वी का कोड है 44, पैट का कोड है 54, और आपसे लेट का कोड पूछा है LATE। बता दो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर लो लाल। बहुत बढ़िया बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी से करो। चलो भाई, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें पता है बच्चे वी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 22 होता है। 22 को 44 कैसे बना सकते हो, गुणे दो करके। 22 को 44 कैसे बनाया जा सकता है, गुणा दो करके। तो फैट में एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, ए की 1 है, टी की 20 है, तो 6 × 1 = 7 और 20 × 7 = 27। 27 से बेटा 54 कैसे बनेगा, गुणा दो करके। 22 से 44 बना गुणा दो करके, 27 से 54 बनेगा गुणा दो करके, लेट में हो गया 12 × 1 = 20 = 5। क्या हो गया, 12 × 1 = 20 = 5। तो ये हो गया 12 × 1 = 13, 13 × 20 = 33, 12 × 1 = 13, 13 × 20 = 33 और 5 = 38। बोलो भाई 38, और 38 का गुणा यहां भी दो में, यहां भी दो में, तो यहां क्या होगा, दो। 38 × 2 = 76, तो आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए होगा, 76। जैसा कि हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा भी था, एक क्वेश्चन आपने पीछे ऐसा किया है, लेटर्स के प्लेस वैल्यू का योग करके उसमें, लेटर्स के प्लेस वैल्यू का योग करके उसमें दो से गुणा कर दिया गया है, अक्षरों के प्लेस वैल्यू का योग करके उसमें दो से गुणा कर दिया गया है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है ट्रांसफर का कोड, ट्रांसफर का कोड किया गया है, जो ट्रांसफर का कोड हुआ है वो बहुत बड़ा कोड है, तो इंक्लूडेड का कोड क्या होगा, ये भी बड़ा ही होगा। अगर ट्रांसफर का कोड दिया है
और इंक्लूडेड का कोड पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? देखो, जब कभी भी लेटर टू नंबर कोडिंग हो, जब कभी भी अक्षर का संख्या में कोडिंग किया गया हो और उस अक्षर की संख्या में जो कोडिंग हो वो बहुत बड़ी नंबर दिखाई दे रही हो, बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे रही हो, तो ऐसी कंडीशन में, जब बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसे कंडीशन में बच्चे मेरे, आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, प्लेस वैल्यू के बारे में सोचना है। तो ध्यान देना, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19 होता है, एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। जब बहुत बड़ी संख्याएं लिखी जाने लगे, तो बच्चे वहां पर क्या होगा, वहां पर लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू होंगे, बच्चे वो लिखे जाते हैं, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आओ देखो, आपसे पूछा किसका बेटा, आपसे पूछा ट्रा और इंक्लूडेड का, तो आई का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 होगा यहां भी, अच्छा एन का 14, सी का 3, एल का 12, यू का 21, डी का 4, ई का 5, डी का 4, 914, 312, 21, 454, 914, 312, 21, 454, बिल्कुल बेटा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों पहले ही गलत हो गए, और 913 होना चाहिए, 914 होना चाहिए, 913 था इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्या, जब कभी भी आपको क्या हो जाए कि बहुत ज्यादा नंबर दिखाई देने लगे, बहुत ज्यादा संख्याएं दिखाई देने लगे, तो ऐसे कंडीशन में जो आपके क्वेश्चन होंगे, ऐसे कंडीशन में लगभग लेटर्स के प्लेस वैल्यू को रख करके क्वेश्चन किया जाता है। चलो भाई, चल रहे हैं आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तदानुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, किस दिशा की ओर उन्मुख है, उन्मुख का मतलब किस चेहरा किस दिशा में, उन्मुख का मतलब क्या होता है, चेहरा किस दिशा में, उन्मुख का मतलब होता है चेहरा किस दिशा में। यहां इंग्लिश में देखोगे, डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मतलब ऐसी कौन सी दिशा है जिस दिशा में वह अभी खुद को देख रहा है, या ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें वो देख रहा है, या जिस दिशा की तरफ वो देख रहा है। उन्मुख मतलब जिधर आपका चेहरा हो, तो आपका चेहरा किस दिशा में है, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है पुनः, अच्छा ये व्यक्ति है 4 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर बाएं मुड़ा, 4 ही किलोमीटर जाएगा, वह पुनः बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता, पुनः बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, इस समय वो यहां पर होगा, इस समय उसका चेहरा किस दिशा में है, तो इस समय उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस समय उसका चेहरा कौन सी दिशा में है, इस समय उसका चेहरा पश्चिम दिशा में, तो इस समय उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। बहुत बढ़िया, सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बच्चे। तो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन ये,
दर्पण को एम एन रेखा पर रखे जाने पर, दर्पण को एम एन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। मतलब अगर हम एम एन को दर्पण मान लें, एम एन को दर्पण मान लें, तो कौन सी आकृति इसका मिरर इमेज बनेगी? सीधी सी बात है, ये आप सभी लोगों को बहुत बार हमने बताया है। तो हमने एक बात बताई है कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे दिखाई दे, चाहे आकृति के हो, चाहे संख्या लिखी हो, चाहे अंक लिखा हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे, चाहे आकृति हो, चाहे संख्या लिखी हो, चाहे अंक लिखा हो, और उसमें कुछ भी पूछे, मिरर इमेज पूछे या वॉटर इमेज पूछे, दर्पण प्रतिबिंब पूछे या जल प्रतिबिंब पूछे, तो वहां एक ही चीज हमेशा आपको याद रहेगी, एक ही चीज हमेशा आप आसानी से कर सकते हैं, वो चीज है क्या? पास वाला पास में और दूर वाला दूर में। हमेशा इस बात को याद रखो कि दर्पण के पास जो आकृति होगी वो दर्पण के पास आकृति बनेगी, और दर्पण से जो दूर आकृति होगी वो दर्पण से दूर बनेगी। कभी भी मिरर इमेज वॉटर इमेज के इस कॉन्सेप्ट को कभी आपको भूलना नहीं है। दर्पण के पास जो आकृति होगी वो दर्पण के पास बनेगी, और दर्पण से जो दूर आकृति होगी वो दर्पण से दूर बनेगी। तो बच्चे ध्यान देंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो जब आप देखो दर्पण के पास में वो आकृति है जिस पर लाइनिंग है, बोलो दर्पण के पास वो आकृति है जिस पर लाइनिंग है, तो ये जब बनाओगे तो लाइनिंग वाला बॉक्स पहले आएगा, मतलब इस तरफ आएगा। ये गलत है, ये गलत है। दो ऑप्शन आपके हैं जिनके लाइनिंग वाले बॉक्सेस, लाइनिंग वाले आपके वृत्त पहले आए। फिर वह सर्कल जो ब्लैंक था बेटा, जो सर्कल खाली था, दर्पण से दूर था, तो दर्पण से दूर बनेगा। सेम कहानी यहां पर है, वह बॉक्स जो जिस पर लाइनिंग है वो क्या होगा? दर्पण के क्या है? पास है, तो दर्पण के पास बनेगा। यहां दर्पण के पास है, यहां दर्पण से दूर है, इसलिए ये गलत है और इसीलिए ये सही है, इसलिए ये गलत है और इसीलिए ये सही है। तो अभी सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का आंसर सी होगा, और बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। एक ही बात ध्यान रखो हमेशा, मिरर इमेज वॉटर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में। जो पास में है दर्पण के वो पास में आकृति बनाएगा, जो दूर है दर्पण से वो दूर में आकृति बनाएगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है? अवधारणा, अवधारणा मतलब पूर्वानुमान, अवधारणा मतलब होता है पूर्वानुमान, जो पहले से मान ली जाए या पहले से सोच ली जाए वही बात पूर्वानुमान कहलाती है। वह बात जो पहले से मान ली जाए या पहले से सोच ली जाए वह बात पूर्वानुमान कहलाती है। याद रखना, पहले से मान ली गई या पहले से सोच ली गई बात को हम पूर्व अनुमान कहते हैं। पहले से मान ली गई या पहले से सोच ली गई बात को हम पूर्व अनुमान कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैसे हमने कहा क्लास में बात करना मना है, अगर ये बात हमने कही है तो हमने ये पहले से मान लिया है कि अगर इस बात को मैं कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए क्लास में बात करना मना है, नोटिस बोर्ड पर लिखी एक सूचना, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोचिंग में, आपके कहीं पर लिखा हुआ क्लास में बात करना मना है, अगर ये बात लिखी हुई है और नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इस बात को लिखते समय आपके प्रिंसिपल ने क्या सोचा होगा, यही आपका पूर्वानुमान है। यही आपको सोचना है कि प्रिंसिपल सर ने क्या सोचा होगा, कोचिंग के डायरेक्टर सर ने क्या सोचा होगा, इस सूचना को लिखवाते समय वही आपका पूर्वानुमान कहलाता है। और उन्होंने सोचा यही होगा कि कोई भी बच्चा आएगा, नोटिस बोर्ड पर लगी हुई इस सूचना को पढ़ेगा और इस सूचना पर ध्यान देगा और क्लास में बात नहीं करेगा। जैसे आप देखते होंगे आपके घर में लिखा होता है कुत्तों से सावधान, या लिखा रहता है कुत्ते से सावधान, तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आएगा वो हमारे कुत्ते से सावधान रहेगा, वो सावधानी बरतते हुए हमसे बातें करेगा।
आई बात समझ में? जैसे बसों में लिखा रहता नक्कालों से सावधान, उसके बाद लिखा रहता जेब कतरों से सावधान। इसका मतलब ये होता ना बेटा कि जेब कतरों से सावधान लिखा जाने का मतलब ये हुआ कि जेब काटी जा सकती है, जेब कतरी जा सकती है, और इसीलिए इस बात को लिखा गया है ताकि आप सजग रहें, यही तो सोचा गया होगा। तो पूर्व अनुमान जो होता है, पहले से सोच ली गई या पहले से मान ली गई बात को हम पूर्व अनुमान कहते हैं। बाकी बुक्स में बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन लिखी हुई है। एक बात याद रखो, जो हमने पहले से मान लिया है वही पूर्व अनुमान है। अच्छा, क्या जरूरी है जो हम पहले से मान लेंगे वो 100% सही होगा? सीधी सी बात है, इसकी गारंटी तो नहीं है। से कहा गया बारिश होने की संभावना है, तो इसकी क्या गारंटी कि बारिश होगी ही? लेकिन कुछ मौसम के हालात देख करके आपने बोला बारिश होने की संभावना है, तो आपने ये माना कि बारिश होगी, लेकिन हो सकता है बारिश ना भी हो। लेकिन ये गलत है, आपने सोचा क्या है कि बारिश होगी। अब होगी कि नहीं होगी वो निष्कर्ष पर डिपेंड करता है, वो कंक्लूजन का विषय है, वो एजम्पशन का विषय नहीं है। आपने सोचा है, अगर आपका स्टेटमेंट है बारिश होने की संभावना है, तो आपने ये माना है कि बारिश होगी, ठीक है। तो अब देखो, छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। कौन कह रहा है? एक कह रहा है। किससे कहा है? दो से, कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अब पूर्व अनुमान देखना, अब अवधारणा देखना। छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। भाई आप खुद पर इंप्लीमेंट कर लो, आपने अपने दोस्त से कहा भाई अपनी नोट्स दे दो, मुझे आपके नोट्स से पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? कि आपके दोस्त ने उस नोट्स को वेल प्रिपेयर्ड किया है, वो तैयार किया है, तभी तो आप उसकी नोट्स को मांग रहे हो। छात्र एक ने छात्र दो से नोट्स क्यों मांगी? छात्र एक ने छात्र दो से नोट्स इसीलिए मांगी है क्योंकि उसे पता है कि छात्र एक ने नोट्स कंप्लीट कर रखी है। तो आपका पहला वाला सही हो गया। छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए, तभी तो मांगा जा रहा है। और क्यों मांगा जा रहा है? पढ़ने के लिए। मतलब क्या है? कि उसने वेल प्रिपेयर्ड कर रखा है, ये पूर्व अनुमान है। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। अब देखो, कह रहा छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, यह गलत है। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। किस तरीके से समझ सत्यापित करोगे आप? भाई आपने पढ़ने के लिए नोट्स मांगी है ना, नोट्स तैयार होगी तभी आपने मांगी है। तो आप भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट सत्यापित कैसे करोगे? इसलिए आपका दूसरा वाला क्या होगा? गलत होगा। तो केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, केवल पहला पूर्व अनुमान, केवल पहला एजम्पशन आपका सही है। ठीक है बच्चे, आओ वही है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बी 25y, डी 23w, एफ 21u। अब देखो, कह रहा है कि अगला कौन सा होगा, कह रहा है कि अगला कौन सा होगा। तो आंसर तो आ ही गया होगा आप लोगों को कहते ही मेरे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अगर देखोगे तो क्या होगा, बी वाई अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, एफ और यू अपोजिट है। Y की प्लेस वैल्यू 25 है, W की प्लेस वैल्यू 23 है, U की प्लेस वैल्यू 21 है। अब अगर आपको ध्यान देना है तो अपोजिट लेटर चाहिए, H और V अपोजिट नहीं है, यहां तो गलत ही है, ये भी गलत ही है, तो
तो आपका क्या हो जाएगा, एच और एस अपोजिट है और एस के प्लेस वैल्यू को लिखा है। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ अपोजिट का पेयर है और बीच में सेकेंड वाले लेटर का प्लेस वैल्यू है। देखो बी वाई, वाई का प्लेस वैल्यू 25, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23, एफ यू, यू का प्लेस वैल्यू 21, तो एच एस, एस का प्लेस वैल्यू 19। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन है आपका। चलो भाई ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है घोड़ा बंदर बाघ, हॉर्स मंकी टाइगर। घोड़ा बंदर बाघ के बीच कौन सा डायग्राम उचित रिलेशन दिखाता है? घोड़ा बंदर बाघ में कौन सा चित्र इसमें उचित रिलेशन दिखाता है? तो देखो भाई ये तीनों तो है एनिमल, तीनों तो है एनिमल, लेकिन एनिमल शब्द तो कहीं आया नहीं। एनिमल मतलब जानवर, तीनों तो है जानवर लेकिन जानवर तो कहीं आया नहीं है। जब जानवर कहीं नहीं आया तो तीनों अलग अलग हो गए, क्या कोई घोड़ा बंदर बन पाएगा? नहीं। क्या कोई घोड़ा बाघ बन पाएगा? नहीं। क्या कोई बंदर बाघ बन पाएगा? नहीं। तो किसी के बीच किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। घोड़ा बंदर नहीं, बंदर घोड़ा नहीं, घोड़ा बाघ नहीं, बंदर बाघ नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ये हो गया घोड़ा, ये हो गया मंकी है ना, और ये हो गया आपका पैंथर बाघ। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन होगा? बी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया बच्चे। चलो भाई फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी डी एफ आई, ये कॉमा होगा यहां पर, मतलब ऐसे लिखा सी डी एफ आई। सी डी एफ आई और यहां पर पूछा नेक्स्ट क्या होगा। सीरीज है कोई, लेटर सीरीज है जिस सीरीज में लिखा गया है सी डी एफ और आई, तो यहां पर अगली सीरीज क्या होगी, अगला लेटर कौन सा होगा? तो अगर बच्चे ध्यान दोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, 3 1 6 9, तो 3 सॉरी 4, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, तो 9 + 4 = 13, और 13वां अक्षर क्या होगा, एम। एम कौन से ऑप्शन में है? ए। एम कौन से ऑप्शन में है? ए। तो आपका आंसर क्या होगा, +1 + 2 + 3 + 4, 4 करोगे तो आई में आई का प्लेस 9 9 4 13, 13वां अक्षर क्या होगा, एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विषम को चुने, चूज द ऑड वन आउट। विषम को चुने, चूज द ऑड वन आउट, विषम को चुने। अब विषम को कैसे इसमें चुना जा सकता है, विषम को कैसे इसमें चुना जा सकता है? तो आपको दिख रहा है यहां पर टी था और यहां पर टी का वाटर इमेज बना हुआ है, यहां पर वी था और यहां पर भी वी का वाटर इमेज बना हुआ है, यहां पर ए था और यहां पर ए का भी वाटर इमेज बना हुआ। तो बच्चे जब एन का वाटर इमेज आप बनाओगे तो बनेगा कुछ ऐसे, बनेगा कुछ ऐसे। क्या एन का वाटर इमेज बना है? नहीं। तो आपका ये ऑप्शन था यहां पर, ऑप्शन ए बी सी और डी, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान देना, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स डी। पहले ऑप्शन में बॉक्स डी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में गलती क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन में गलती करता है। कैसे? ए ऑप्शन में वो कह रहा है बॉक्स डी के बारे में, सी ऑप्शन में वो बात कर रहा है बॉक्स बी के बारे में, बी ऑप्शन में वो बात कर रहा है ऑप्शन सी के बारे में, और डी ऑप्शन में वो बात कर रहा है ऑप्शन ए के बारे में। डी ऑप्शन में वो बात कर रहा है ऑप्शन ए के बारे में।
होता क्या है? अब आपने आंसर तो सी कर दिया, अब जल्दी से आप सी टिक करके चले आते एग्जाम में और आप कहते सर हमसे गलती बहुत ही बड़ी हो गई, हम समझ नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हम पहचान नहीं पाए, इसलिए क्योंकि आपने एग्जामपुर में प्रैक्टिस नहीं किया था। अब कर रहे हो तो अब गलत नहीं होगा, अब तो बिल्कुल सही होना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो कुछ लेटर होना चाहिए, आई थिंक आई था शायद, तो अभी हाँ बिल्कुल कुछ होगा, देखते हैं कौन सा लेटर रहा होगा, अभी लॉजिक मिल जाएगा आपको। तो यहां पर क्या है, 5, 7, 11, 17 क्या है अंक, क्या है 5, 7, 11, 17, तो 5, 2, 7, 4, 11 और 11, 6, 17, तो 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 6, 17, तो 17 यहां 2, 4, 6 तो 8, 8 जोड़ोगे तो 17, 8, 25, मतलब 17, 8, 25 यहां पर होगा। अब देखो 25 के साथ दो ऑप्शन आए, एक यस आया है एक वाई आया है, अब लॉजिक देखेंगे कि हो क्या रहा था। देखो यहां जे का प्लेस वैल्यू 10 था, तो 10, 2, 12 नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दो 5, अभी यहां देखेंगे क्या था, 7J 11L 17O। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 6 = 17, तो 17 + 8 = 25, नंबर आ गया 25। अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे लेटर्स को, अब आप बच्चे लेटर्स देखोगे, तो यहां से देखो 15 - 3 या 12 + 3 = 15 इधर से, और यहां क्या रहा होगा 10 + 2 = 12, तो यहां क्या रहा होगा, यहां आई है बेटा, ये जो है ना ये आई है, क्या है आई है, तो 9 + 1 = 10, 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12, 3 = 15 और 15 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 19 आएगा, 19वां अक्षर क्या होगा एस, तो 25S आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 25S आपका होगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, अब ध्यान दो 27 + 2 = 29, 29 + 4 = 33 है ना, अब ध्यान देना 27 से 29 जाओगे +2, 29 से 33 जाओगे +4 और 33 में +6 जोड़ोगे तो आएगा 39। ठीक है, और 39 आपके ऑप्शन में नहीं है, और 39 पे फिर आप क्या जोड़ते, 39 में 8 जोड़ते तो 47 आता, जो कि ए भी गलत हो जाता। अब देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, +2 + 4 + 6 नहीं हुआ है, तो कुछ और देखो, अगर +2 + 4, अब इस श्रृंखला को ऐसे समझो 27, 29, 33 क्वेश्चन मार्क 57, यहां के बीच का अंतर कितना है 2, यहां के बीच का अंतर कितना है 4, तो 2 × 4 तो 4 × 8 33 + 8 कितना होगा 41, क्या ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल, और 41 में क्या हो जाएगा +16 ऐड हो जाएगा 57, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका होगा 41, आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका होगा 41, क्या होगा 41। कैसा हो रहा बच्चे, जब आपने अंतर लिया है, जब आपने अंतर लिया है तो अंतर में क्या हुआ है 2, 4, 8, 16, मतलब ये जो अंतर है ये अंतर दोगुना होता जा रहा है, ये जो अंतर है बच्चे ये अंतर दोगुना होता जा रहा है, दोगुना कैसे हो रहा है 2, 4, 8, 16, तो 2 × 4 × 8 × 16, तो आपका आंसर क्या हो गया 41, आपका आंसर क्या हो गया 41। सभी को ये बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल बच्चे अच्छे क्वेश्चन तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू
पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो आप देखेंगे राजू वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा, इधर ही जाएगा और ये जाएगा 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? ये दूरी पूछा है। दिशा अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट से ऑप्शन कटेंगे, ये कट गया नॉर्थ वेस्ट, ये कट गया साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के 2 ऑप्शन। अब दूरी निकालोगे बेटा तो आप सभी को पता है 4 ये है 3 ये है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25 बराबर कितना? 5 किलोमीटर। कितना आएगा? 5 किलोमीटर। और ये दक्षिण पूर्व था, ये वैसे ही गलत था। आंसर तो आपका डी पहले ही सही हो गया, केवल डायरेक्शन से आपका आंसर आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे आप ध्यान देना, हमने देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सही करा दिया। जैसे ही आपने डायरेक्शन निकाला ना, डायरेक्शन आ गया नॉर्थ ईस्ट, यहां डायरेक्शन था साउथ ईस्ट रॉन्ग, यहां डायरेक्शन था नॉर्थ वेस्ट रॉन्ग, यहां डायरेक्शन था साउथ वेस्ट रॉन्ग। तो ये 3 तो डायरेक्शन की वजह से ही गलत है, ना? तो फिर क्या चाहिए था आपको? फिर आपको डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट मिलेगी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन को, है ना बच्चे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी को यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो भाई फिर हम आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब हमसे पूछा गया है मिरर इमेज क्या होगा, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिरर इमेज क्या होगा, इस आकृति का मिरर इमेज क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो भाई, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा एक क्वेश्चन क्लियर करवाया और हमने आपसे बताया है एक ही बात हमेशा याद रखनी है, पास वाली आकृति पास में और दूर वाली आकृति दूर में। जब ये बॉक्स बनेगा ना बेटा, तो जब पास वाली आकृति बनाओगे तो ये जो कलर वाला भाग होगा, देखो ये कलर वाला भाग कहां है? दर्पण के पास में। तो कलर वाला भाग दर्पण के पास में इधर ही तो बनेगा और ये दूर बनेगा। अब देखो कहां है, ये पास में है, ये दूर है इसलिए गलत, ये पास में है, यहां है ही नहीं इसलिए गलत, और यहां दोनों तरफ है इसलिए गलत। आंसर ए यहीं से हो गया, केवल एक आकृति पहचानने से आंसर हो गया है, केवल बच्चे एक आकृति पहचानने से आंसर हो गया है, पास वाला पास में दूर वाला दूर में। क्या बेटा? पास वाला पास में और दूर वाला दूर में। बस आप देखना चाहो तो इसमें भी ये कलर इधर होगा बिल्कुल है और ये फेड होगा बिल्कुल। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 24 है। एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, एफ का ई से क्या संबंध है? बताओ बच्चे एफ का ई से क्या संबंध है? चलो आओ ध्यान देते हैं। एफ एस और डी का पिता है, एफ जो है
क्या क्वेश्चन कह रहा है, एफ एस और डी का पिता है, एफ एफ पिता है किसका, एस और डी का, एफ इज द फादर ऑफ एस एंड डी, एफ इज द फादर ऑफ एस एंड डी, एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, डी की बुआ, तो डी की बुआ कौन होगी, डी की बुआ एफ की बहन होगी, डी की बुआ कौन होगी, एफ की बहन होगी, तो डी की बुआ कौन हो गई, एफ की बहन हो गई, डी की बुआ की बेटी ई है, और डी की जो बुआ की बेटी है वो कौन है, ई है, ई बेटी है इसलिए महिला है, ई बेटी है इसलिए महिला है, ठीक है। एफ का ई से क्या संबंध, एफ का ई से, तो मम्मी के पापा के भाई क्या होते, मामा होते हैं, मैटरनल अंकल, क्या होते बेटा, मामा होते हैं, मैटरनल अंकल, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मामा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बी छ सी पांच डी सात ई, लेटर एंड नंबर सीरीज, हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेटर एंड नंबर सीरीज में एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब कभी अक्षर और अंकों दोनों की श्रृंखला एक साथ आ जाए, जब कभी आपके क्वेश्चन में अक्षर और अंक दोनों की श्रृंखला एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले अक्षरों की श्रृंखला बनाने की कोशिश करो, सबसे पहले बच्चे क्या करोगे, अक्षरों की श्रृंखला बनाने की कोशिश करोगे, अक्षरों की श्रृंखला बनती कैसे है, तो अक्षरों की श्रृंखला जो सबसे पहले बनेगी वो ऐसे बनेगी कि B, C, D, E, तो यहां पर क्या होगा F, अच्छा लेटर तो लाना ही नहीं था, केवल नंबर लाना, बहुत बढ़िया, फिर चार दो छ, चार दो छ, छ माइनस एक पांच, अच्छा अल्टरनेट देख लो, चार एक पांच, पांच एक छ, आंसर क्या हो जाएगा सिक्स, ऑप्शन नंबर B, और अल्टरनेट देखोगे तो क्या होता है, छ एक सात, बहुत बढ़िया, अल्टरनेट सीरीज चली है, चार एक पांच, पांच एक छह, आंसर क्या आ जाएगा सिक्स, सिक्स कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में सिक्स है। चलो भाई सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये बात हमको पता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे आप देख रहे होंगे, पूरे सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपने देखे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यक्ष अपने दोस्त एक्स अपने दोस्त दो को एक तस्वीर दिखाता है, जेड को, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है, तस्वीर वाला, मतलब चलो देखते हैं, क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, तो क्वेश्चन को पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्वेश्चन अधूरा है तो क्वेश्चन को पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको परेशान नहीं होना है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को, कह रहे यक्ष अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है, एक्स जो है कोई दोस्त है, एक्स उसने अपने दोस्त जेड को एक फोटो दिखाई, एक दोस्त है एक्स, उसने अपने मित्र जेड को एक फोटो दिखाई, ये फोटो देख रहे हो ना, उसने कहा हाँ देख रहा हूं, उसने कहा इस फोटो में या फोटो मेरी पत्नी, मतलब एक्स की पत्नी, या फोटो एक्स की पत्नी, अगर एक्स की कोई पत्नी मतलब एक्स पति होगा, एक्स पुरुष होगा, तो एक्स एक्स कह रहा है कि वह मेरी या मेरी पत्नी की बेटी या मेरी पत्नी की बेटी के पति या मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है, का बेटा है, या मेरी पत्नी के पति या मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है, ठीक है, तस्वीर वाला इससे क्या संबंधित है, तो देखो बेटा तस्वीर वाले को अगर देखोगे, इससे संबंध देखोगे, तस्वीर वाले व्यक्ति का जो संबंध देखोगे वो क्या होगा, तो देखो तस्वीर इसकी थी, एक्स से संबंध पूछा है, तो आपको पता है
कि यक्ष की ये बेटी है और बेटी का ये बेटा है, तो बेटी का जो बेटा होता है वो हिंदी में होता है नाती। पोती होगा नहीं, ससुर होगा नहीं, अंकल होगा नहीं। अब पोता शब्द जो होता है वो बेटे के लिए आता है, याद है ना, बेटे के लिए आप यूज करते हो पोता, और बेटे के लिए आप यूज करते हो नाती। तो क्योंकि ऑप्शन आपके पास है नहीं, और जब आप इंग्लिश में देखोगे, अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं, जब आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में यहां पर जो लिखा रहता है वो लिखा रहेगा ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन पोता और नाती दोनों के लिए होता है। ग्रैंड सन जो होता है वो पोते के लिए भी यूज होता है और नाती के लिए भी यूज होता है। तो ग्रैंड सन शब्द जब यूज होगा तो पोता और नाती दोनों के लिए यूज होगा, तो यहां पर आप आंसर क्या टिक कर दोगे, यहां पर आप आंसर बी टिक कर दोगे, पोता। ठीक है बेटा, बेटे के लिए पोता और बेटी की बेटी के लिए नाती, लेकिन ऑप्शन है नहीं, पोती तो हो नहीं सकता क्योंकि जेंडर क्लियर है, ससुर हो नहीं सकता, अंकल हो नहीं सकता, तो पोता आप टिक कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ग्रैंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर, टीबी कैमरा ट्रेन कह रहा है टीबी कैमरा ट्रेन के बीच रिश्ता क्या होगा। दिए गए डायग्राम में कौन सा ऑप्शन ये शो करता है कि टीबी कैमरा ट्रेन, टीबी कैमरा ट्रेन, बताएंगे सभी लोग कौन सा ऑप्शन ये शो करता है टीबी कैमरा ट्रेन। देखो बेटा, क्या टीबी कभी कैमरा हो सकता है, नहीं। क्या टीबी कभी ट्रेन हो सकता है, नहीं। क्या ट्रेन कभी कैमरा हो सकता है, नहीं। नो रिलेशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया टीबी, ये हो गया कैमरा, ये हो गया ट्रेन। टीबी का रिलेशन कैमरा से नहीं, कैमरा का रिलेशन ट्रेन से नहीं, ट्रेन का रिलेशन टीबी से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए टेबल, जो ए वाला बॉक्स होगा ए टेबल को दिखाएगा, जिस सर्कल के अंदर बी लिखा है वो कपड़े हैं क्लॉथ, और जिस सर्कल के अंदर सी लिखा है वो लकड़ी है वुड, अब देखो, क्या कभी कपड़ा टेबल हो सकता है, नहीं। क्या कभी कपड़ा लकड़ी हो सकता है, नहीं। कपड़ा टेबल नहीं होगा, कपड़ा लकड़ी नहीं होगा, तो एक रिलेशन है जो किसी से कोई संबंध नहीं रख रहा है, लेकिन टेबल जो है ये लकड़ी से तो संबंध रखेगा, कुछ टेबल लकड़ी होते हैं, तो टेबल जो है वो लकड़ी से संबंध रखेगा, तो एक में सम का रिलेशन होगा कुछ, क्योंकि सारे टेबल लकड़ी के नहीं होते भाई, कुछ टेबल फाइबर के भी होंगे, कुछ टेबल आयरन के भी होंगे, है ना, कुछ टेबल क्रिस्टल के भी होंगे, तो सारे टेबल आपके उड के नहीं होते, कुछ टेबल आपके लकड़ी के होते हैं, कुछ टेबल, सम का रिलेशन एक में बनेगा, लेकिन एक है जो किसी से रिलेशन नहीं रख रहा, तो जो किसी से रिलेशन नहीं रखेगा उसे तो बाहर करना पड़ेगा, मतलब एक जगह बनेगा सम का रिलेशन और जगह बनेगा अलग रिलेशन, और बनेगा क्या, ए और सी का जो रिलेशन बनेगा वो सम का बनेगा, ए और सी का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सम का बनेगा, और बी क्या होगा, अलग होगा। ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा हुआ है, ए और सी मतलब कुछ लकड़ी का टेबल है, कुछ टेबल लकड़ी है और कपड़ा बाहर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैथ नहीं है, घबराना मत, मैथ नहीं है, एग्जाम में पूछा था। दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरे भिन्न का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर ये तो मैथ्स का पार्ट है, तो मैथ नहीं पढ़ते क्या आप? दूसरी चीज, रीजनिंग और मैथ में बहुत सारे चैप्टर कॉमन है, तो दे दिया होगा क्वेश्चन किसी दिन उठा करके किसी एग्जाम में। बिल्कुल बेटा, किसी एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन है ये, रीजनिंग के पार्ट में। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? कह रहा है दो भिन्नों का योग 7/4 है, योग जो है वो 7/4 है, उनमें से एक 5/3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं दो पेन है और दोनों पेनों की जो कीमत है वो 20 रुपए है और एक पेन की कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो आराम से आप दूसरे पेन की कीमत बता दोगे। दूसरे पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 20-10=10, ऐसे ही तो करोगे। योग में से एक पेन की कीमत आप घटा दोगे। तो अगर दो भिन्नों का योग 7/4 है तो एक भिन्न अगर 5/3 है बेटा तो दूसरी भिन्न तो निकाल लोगे ना, और निकालोगे कैसे होगा? ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे आप एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 21-20/12 तो क्या हो गया 1/12, क्या हो जाएगा 1/12, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1/12 क्या हो जाएगा बेटा? 1/12, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन है ना बेटा, फिर से आपके क्वेश्चन में मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का मिरर इमेज क्या होगा? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी ही है। हमने आपसे कहा पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, जिस सर्कल पर कलर है वो पास में है, जिस सर्कल पर कलर है वो पास में है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये पूरा कलर्ड है। क्या यहां पूरा कलर्ड था? नहीं। लेकिन एक चीज का और ध्यान दो, ये हाफ कलर्ड है इसलिए ये रॉन्ग है, ये पूरा कलर्ड है और ये क्या है? आधा ही कलर्ड है बस। तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है मिरर इमेज, वाटर इमेज आपके एग्जाम में कितना इजी है, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना, पास वाला पास में और दूर वाला दूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात, आज हमारी टाइपिस्ट टीम भी आप लोगों के पीछे एकदम हाथ धो के लगा है, लो थॉट पे थॉट, जैसे एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है ना, बूस्ट करने के लिए एक लाइन दे दी गई है, गजब, बहुत बढ़िया। हमारी टाइपिंग टीम को एक बार आप लोग ताली बजा के इनको धन्यवाद दीजिएगा, बहुत बढ़िया। आइए ध्यान देते, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, क्या बात, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, क्या बहुत बढ़िया। मेहनत करो, थकना मना है इस जीवन में, थकना मना है, थक गए तो हार गए, हारना मना है, हार गए तो थक गए, ना थक सकते हो ना हार सकते हो, विजय की गति को प्रदान करो, विजय के पथ पर चलते रहो, विजय तो मिलनी ही मिलनी है, अगर जिद हो जीतने की, जिद चाहिए जीतने की, पागल बन जाओ, जब सब लोग कह दे कि ये तो पागल हो गया, समझ जाना आपकी विजय निश्चित है। जिस दिन लोग कह दे कि ये तो पागल है,
अब समझ जाना कि आपकी विजय निश्चित है। अब पागल होने का मतलब नहीं कपड़े फाड़ के भागो भागो कह दो हम तो पागल है, सर ने कहा था पागल बन जाओ, जब पागल बन जाओगे तो समझ जाना जीतने वाले। कपड़े फाड़ के नहीं भागना है पागल बनने के लिए, पागल बनने का मतलब है अपनी सिलेक्शन के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए पगला जाओ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फिर देखो यार ये कहा जाता है परिस्थिति तो आपको कभी हरा ही नहीं सकती, आपको तो जीतना तय है, आपका तो जीतना निश्चित है बच्चे, आपको तो जीत मिलेगी ही मिलेगी, कोई ऐसी धरती की ताकत नहीं है जो आपको जीत से रोक सके। बहुत बढ़िया बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विषम को चुने, विषम को चुने, ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा है, विषम को चुने, बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप बात कर रहे हैं विषम को चुनने की तो देखो कि क्या क्या हुआ है हर बॉक्स में। अगर आप बॉक्सेस की बात करोगे तो क्या क्या हुआ हर बॉक्स में, देखना ये एल है और इसका अपोजिट ये, बिल्कुल ये क्या हुआ है वॉटर इमेज, एम का क्या हुआ है वॉटर इमेज, यू का क्या हुआ है वॉटर इमेज, वी का क्या हुआ है नो चेंज। तो अब देखो फिर से वही कहानी, ये बॉक्स ए था, ये बॉक्स बी था, ये बॉक्स सी था, ये बॉक्स डी था, गलत कौन सा है बॉक्स डी, डी बॉक्स कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी नहीं सही है, कतई गलती मत करना, कतई ये गलती मत करना, ऑप्शन डी नहीं सही है, बॉक्स डी सही है। और बॉक्स डी कौन से ऑप्शन में आया है, बी फॉर बॉय वाले ऑप्शन में आया है, तो आंसर आपका बी होगा, बॉक्स डी सही है लेकिन आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये भी बॉक्सेज है, ए बॉक्स है, बी बॉक्स है, सी बॉक्स है और डी बॉक्स। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखना है आपको तो आप बहुत कायदे समझना, टी का 20 प्लस वैल्यू ही होता है, टी का 20 प्लेस वैल्यू ही होता है, एक्स का 23 प्लेस वैल्यू नहीं होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 ही होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 ही होता है, एल का 12 है, एक्स का 23 है, टी का 20 है, क्या एक्स का प्लेस वैल्यू 23 है, नहीं, गलत कौन है, मतलब सही कौन सा होगा ऑप्शन, सही कौन सा होगा बॉक्स बी, बॉक्स बी कौन से ऑप्शन में है, तो बॉक्स भी ऑप्शन में है सी के, तो आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला का अगला पद बताइए, टी ए एस बी आर सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी, टी ए एस बी आर सी, टी ए एस बी आर सी, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, टी ए एस बी आर सी। देखो भाई अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर ना तो 20 माइनस एक 19, 19 माइनस एक 18, तो 18 माइनस एक 17 क्यों, अल्टरनेट, एक प्लस एक दो प्लस एक तीन, तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया भैया। आते अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25
31, 38, 46, 25, 31, 38, 46. अब क्या होगा? तो क्योंकि ये सीरीज है तो सीरीज चेक कर लो, है ना बेटा, ये सीरीज है। क्या है ये क्वेश्चन? ये सीरीज है, सीरीज चेक हो जाएगी। क्या होगी? 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 7 38, 38 प्लस 8 46, तो प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो यहां पर क्या होगा? 46 प्लस 9 55, ऑप्शन नंबर ए। 46 प्लस 9 55, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, थोड़ी देर पहले आपने कथन और पूर्वानुमान पढ़ा, अब आपका क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, तो ध्यान से मेरी बात समझना। कथन और निष्कर्ष में, या मैं कहूं पूर्वानुमान और निष्कर्ष में अंतर है। स्टेटमेंट के पहले जो सोचा गया था वो पूर्वानुमान था, ये बात आपको पता है। स्टेटमेंट के पहले जो सोचा गया था वो आपका पूर्वानुमान है, ये बात आपको पता है। और स्टेटमेंट के बाद की जो स्थिति होगी वो आपकी कंक्लूजन होगी। तो जो स्टेटमेंट है बेटा, जो कथन होता है ना, जो स्टेटमेंट है, जो कथन होता है, कथन के पहले की जो स्थिति होगी वो एजम्पशन कहलाएगी। कथन के जो पहले की स्थिति होगी वो एजम्पशन कहलाएगी, और कथन के बाद की जो स्थिति होगी वो कंक्लूजन कहलाएगी। तो स्टेटमेंट के पहले की जो भी अवस्था होगी वह पूर्वानुमान होगी। स्टेटमेंट के पहले की जो भी अवस्था होगी वह पूर्वानुमान होगी, और स्टेटमेंट के बाद की जो अवस्था होगी वो निष्कर्ष होगी। ये कथन है, ये पूर्वानुमान है, और ये निष्कर्ष है। इस बात को कभी पूरे जीवन में मत भूलना। किसी चीज को कहने से पहले जो आपने सोचा वो आपका पूर्वानुमान है, और किसी चीज को कहने के बाद उस पर जो प्रतिक्रिया हुई, उसमें जो घटित हुई और उसका जो प्रभाव पड़ा वो निष्कर्ष कहलाया। तो पहले वाला पूर्वानुमान, बाद वाला निष्कर्ष, ठीक है? पहले वाला पूर्वानुमान और बाद वाला निष्कर्ष। तो पहले जो होगा वो पूर्वानुमान कहलाएगा, और जो बाद में होगा वो निष्कर्ष कहलाएगा। आते क्वेश्चन में, नैना सुनीता को देखती है। नैना कोई लड़की है, उसने सुनीता को देखा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। नैना सुनीता को देख करके उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, मतलब नैना सुनीता की सुंदरता की प्रशंसा करती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दो महिलाएं मिलेंगी तो वो तो होना है, कोई बात। निष्कर्ष है, सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। क्या इसकी प्रमाणिकता है आपके पास? भाई क्या कोई सुंदर व्यक्ति दूसरे सुंदर व्यक्ति की तारीफ नहीं कर सकता? कर सकता है सर। एक कोई सुंदर व्यक्ति दूसरे सुंदर व्यक्ति की तारीफ कर सकता है ना भाई। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपका कोई दोस्त भी पढ़ने में अच्छा है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते भैया आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं? या आप बहुत स्मार्ट है और आपका दोस्त भी स्मार्ट है, तो क्या आप उसे नहीं कह सकते आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो? अरे भाई सीधी सी बात है, नैना ने सुनीता की तारीफ की है उसकी सुंदरता की,
नैना ने सुनीता से केवल इतना कहा कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो यह कहां से प्रमाणित तो हो गया कि नैना खूबसूरत नहीं है? बोलो, नैना ने सुनीता से यही कहा ना कि तुम खूबसूरत लग रही हो, तो नैना सुनीता से अगर यह बात कह रही है तो सुनीता खूबसूरत है कि नहीं है, यह बात आप कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है? तो सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है, इसकी प्रमाणिकता आपके पास नहीं है, और बिना प्रमाणिकता के निष्कर्ष सही नहीं होता। एजम्पशन जितना भी होगा वह संभावना में रहेगा, लेकिन निष्कर्ष निश्चितता में सही नहीं होता, सॉरी निष्कर्ष संभावना में सही नहीं होता, निष्कर्ष के लिए निश्चितता की आवश्यकता होती है। फिर कह रहा सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। अब इसमें यह तो नहीं कहा गया ना कपड़े सुंदर हैं, नैना ने इतना कहा सुनीता की सुंदरता की प्रशंसा की, कपड़े की सुंदरता की बात तो कहीं नहीं हो रही है, तो ये कहां से प्रमाणित हो रहा सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है? बोलो, ये भी तो नहीं प्रमाणित हो रहा है, तो दोनों बातें प्रमाणित नहीं है। तो जब दोनों बातें बेटा प्रमाणित नहीं होंगी तो दोनों बातें क्या होंगी? गलत होंगी। तो जब दोनों गलत होंगी तो आंसर क्या होगा? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही कथन सेकंड, कथन का अनुसरण करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, दोनों गलत है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नौ अठारह अट्ठाईस बताओ बेटा, 1 9 18 28 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे ना तो यहां पर 1, यहां पर 9, यहां पर 18 और यहां पर 28। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या 1 से 9 बनेगा? नहीं, 1 9 9 9 2 18 नहीं बनना, तो अंतर ले लो, 1 8 9 9 9 18 18 10 28 8 9 10, तो यहां पर क्या 11 28 11 39 28 11 39। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, 28 11 39, ठीक है बच्चे, 28 11 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद, पवित्रा कोई है, उसने 500 मीटर की दूरी पूर्व की तरफ तय की, वह बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है, फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर दूरी तय करती है, 500 मीटर पूर्व की तरफ इसने दूरी तय कर ली, वह बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी 700 मीटर चलेगी, फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, बाएं ओर मुड़ी और 500 मीटर ही चली, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? शुरुआती बिंदु यही था, यहां से ये दूरी देखोगे तो ये 700 मीटर के तो बराबर ही होगा ना, ये दूरी 700 मीटर के तो बराबर ही होगा ना बेटा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ये दूरी क्या हो जाएगा? 700 मीटर के बराबर हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ गई बात? सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो लगा लिया था शायद 1, 9, 18, 28 क्या था 1, 9, 18, 28 तो यहाँ क्या होगा 39 होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर हृदय ऑरेंज सॉरी ऑर्गन्स यकृत दिल अंग बताओ इसमें क्या होगा। यकृत मतलब लीवर, हृदय मतलब हार्ट, अंग मतलब ऑर्गन्स। क्या यकृत क्या हार्ट लीवर हो सकता है? नहीं सर। क्या लीवर हार्ट हो सकता है? नहीं सर। लेकिन ऑर्गन्स तो दोनों है, लीवर भी अंग है और हार्ट भी अंग है। मतलब सी वाले बॉक्स के अंदर ए और बी अलग अलग बनेंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन सी। ये आपके हो गए ऑर्गन्स, ये आपके हो गए लीवर्स और ये आपके हो गए हार्ट। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई ये बात? सभी को समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा बाल भूमि तो क्या होगा? अच्छा, स्किन का संबंध हेयर से है तो लैंड का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार त्वचा का संबंध बाल से उसी प्रकार भूमि का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार त्वचा का संबंध बाल से है उसी प्रकार भूमि का संबंध किससे होगा? त्वचा का संबंध बाल से है तो भूमि का संबंध किससे होगा? सीधी सी बात है, त्वचा का संबंध अगर बाल से है तो भूमि का संबंध क्या होगा? घास से होगा। अयस्क नहीं, धूल नहीं, खनिज नहीं, घास। जिस प्रकार त्वचा पर आपके रोए आपके बाल जमते हैं उसी प्रकार भूमि पर, उसी प्रकार लैंड पर क्या होता है? ग्रास होती है, घास होती है। उसी प्रकार, बिल्कुल बेटा, उसी प्रकार क्या होती है? घास होती है। कहां पर? जमीन पर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपेक्षा करता हूं कि आज जो सेशन था उस सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत कायदे से पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। तो बस आज की क्लास को यहीं तक मैं रोकूंगा। क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा और आप बताइए, आप जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। और हाँ, कर्तव्य बैच ज्वाइन करने के लिए जो बैच आपका चल रहा है एप्लीकेशन पर, कर्तव्य बैच जिसमें क्या हुआ, बीएसएफ का ट्रेडमैन का पेपर आपका लगा हुआ है मई में, उस पेपर की तैयारी के लिए जो आपका बैच मात्र 599 रुपए में आपको मिल रहा है, 599 रुपए में उस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन पर क्लास करने के साथ साथ में हमारे मॉड्यूल्स हमारे बुक्स भी चाहते, जो कि बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, तो बुक उस मॉड्यूल्स के लेने के लिए दोनों एक साथ कॉम्बो पैक में लेने के लिए आपको देना होगा मात्र मात्र 1100 रुपए। और उस 1100 रुपए में आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार, आप कर सकते हैं कलम से क्रांति, आप कर सकते हैं अपने अपने वृद्धि के सपने को लाना, जिस वृद्धि के सपने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिस वृद्धि को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें इस एग्जाम्पल के इतने बड़े परिवार का भी आपको बहुत बड़ा साथ मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, बहुत कायदे से अगर आप लोग स्टैटिस्टिकल अगर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की जाए तो बहुत आसानी से आपको जॉब मिल सकती है, पेपर इजी आएंगे, ये आप सभी को पता है। तो बस आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, शेष मुलाकात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वो